मित्रों, आज मैं फिर प्रस्तुत हुआ हूँ विष्णु प्रभाकर जी की एक लघु कथा लेकर, जिसका अनुवाद है फर्क। उस दिन उसके मन में इच्छा हुई कि भारत और पाक के बीच की सीमा रेखा को देखा जाए। जो कभी एक देश था वह अब दो होकर कैसा लगता है। दो थे तो दोनों एक दूसरे के प्रति शंकालु थे। दोनों ओर पहरा था, बीच में कुछ भूमि होती है जिस पर किसी का अधिकार नहीं होता, दोनों उस पर खड़े हो सकते हैं। वह वहीं खड़ा था लेकिन अकेला नहीं था, पत्नी थी और थे 18 सशस्त्र सैनिक और उनका कमांडर भी। दूसरे देश के सैनिकों के सामने वे उसे अकेला कैसे छोड़ सकते थे। इतना ही नहीं, कमांडर ने उसके कान में कहा, उधर के सैनिक आपको चाय के लिए बुला सकते हैं, जाइएगा नहीं, पता नहीं क्या हो जाए, आपकी पत्नी साथ में है और फिर कल हमने उनके 6 तस्कर मार डाले थे। उसने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं उधर कैसे जा सकता हूँ, और मन ही मन कहा, मुझे आप इतना मूर्ख कैसे समझते हैं। मैं इंसान अपने पराये में भेद करना मैं जानता हूँ, इतना विवेक मुझ में है, बस यह सोच रहा था कि सचमुच उधर के सैनिक वहां आ पहुंचे। रोबिले पठान थे, बड़े तपाक से हाथ मिलाया। उस दिन ईद थी, उसने मुझे मुबारकबाद कहा। बड़ी गर्मजोशी के साथ एक बार फिर से हाथ मिलाकर वे बोले, इधर तशरीफ लाइए, हम लोगों के साथ एक प्याला चाय पीजिए। इसका उत्तर उसके पास तैयार था। अत्यंत विनम्रता से मुस्कुराकर उसने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी होती आपके साथ बैठकर, लेकिन मुझे आज ही वापस लौटना है और वक्त बहुत कम है, आज तो माफ़ी चाहता हूँ। इसी प्रकार शिष्टाचार की कुछ बातें हुईं कि पाकिस्तान की ओर से कुलाचे भरता हुआ बकरियों का एक दल उनके पास से गुजरा और भारत की सीमा में दाखिल हो गया। एक साथ सब ने उनकी ओर देखा। एक क्षण बाद उसने पूछा, ये आपकी हैं? उनमें से एक सैनिक ने गहरी मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया, जी हाँ जनाब, हमारी हैं, जानवर हैं, फर्क करना नहीं जानते। तो दोस्तों, ये थी विष्णु प्रभाकर जी की लघु कथा फर्क। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।